हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माई चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ एसीएफ फाइंड आउट करना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 16, 24 और 32 का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 16 के, फिर 24 के और फिर 32 के। ठीक है, लास्ट डेट चेक करें 6 है, इवन है, 2 के टेबल में 6 आता है। लास्ट डेट जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। 2 के टेबल में 16 आता है 8, 2 के टेबल में 8 आता है 4, और 2 के टेबल में 4 आता है 2, और 2 के टेबल में 2 आता है 1। अब प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 24 के। लास्ट डेट चेक करें इवन है, 2 के टेबल में 4 आता है तो पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1, 2 के टेबल में 4 आता है 2। अब लास्ट डेट चेक करें फिर इवन है तो पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल में 12 आता है 6, 2 के टेबल में 6 आता है 3, और 2 के टेबल में नहीं आता 3, 3 के टेबल में ही 3 आता है तो यहाँ पे 3 ले लेंगे। 3 के टेबल में 3 आता है 1। अब प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 32 के। यहाँ पे 32 को लिखें, लास्ट डेट चेक करें इवन है, 2 के टेबल में 2 आता है तो पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। ठीक है, 2 के टेबल में अगर आपको डायरेक्टली पता है कि 32 कितनी ज़्यादा आता है तो आप वो डायरेक्टली लिख दें 16 ज़्यादा आता है। लेकिन आपको नहीं पता तो आप ऐसा कर लें, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 से छोटा 2 आता है तो आप इसे कट करके 2 बना लें। 2 के टेबल में 2 आता है 1, ये 3 था जब कटो के 2 बना, इसका 1 इधर चला गया, बन गया 12। 2 के टेबल में 12 आ गया 6, तो 16 2 32। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 16 है तो ये 16 के हमारे पास जो फैक्टर्स आए थे वही सेम आ जाने यहाँ पे, तो लिखते जाएँ वही 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1। अब आपने क्या करना है, लिखना है यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 16, फिर फैक्टर्स ऑफ 24 और फिर फैक्टर्स ऑफ 32, जैसे मैंने पहले लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपने लिखना है यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 16, 24 एंड 32, जिस जिसके फाइंड आउट कर रहे हैं वो लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, अब फैक्टर्स आपके पास 16 के ये आए, आप यहाँ पे ये लिखें 2 × 2 × 2 × 2। 24 के फैक्टर्स ये आए हैं तो वो यहाँ पे लिखें 2 × 2 × 2 × 3। 32 के फैक्टर्स क्या आए हैं वो यहाँ पे लिखें, क्या आ जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2। अब क्या आ जाएगा, कॉमन क्या निकल रहा है जो तीनों में हो तो वो 2 है, ये वाला एक और 2 है जो तीनों में कॉमन है वो भी कॉमन हम ऐसे ले लेंगे, ये भी 2 तीनों में कॉमन निकल रहा है तो ये भी 2 कॉमन आ गया। और देखें ये 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, एक और 2 होता तो हमने कॉमन लेना था, लेकिन इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए हमने 2 कॉमन नहीं लेना। और तो हम क्या करेंगे, ये 2 कॉमन निकला है उसको एक दफ़ा लिखें, ये एक और 2 निकला है उसको एक दफ़ा लिखें, और ये 2 कॉमन निकला है तो उसको एक दफ़ा लिखें। अब सबको मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 16, 24 और 32 का 8 आ गया। ठीक है, अगर सेम इसी नंबर के हम लोग एलसीएम फाइंड आउट कर रहे होते तो वो क्या आना था, ये कॉमन जैसे निकला है वही आ जाना था, और अनकॉमन ये सारे अनकॉमन है तो वही भी यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होना था, और फिर एलसीएम आना था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन एचसीएफ में होता है जो कॉमन है उन्हीं को सिर्फ लिख के मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे फाइंड आउट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।